जय श्री राम। जय श्री राम। तो हेलो जी, हेलो, स्वागत है आपका आज कितने व्लॉग वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट आदित्य शर्मा। आज हम आपको लेके आए हैं फिर से श्री दुर्गियाना मंदिर की नवरात्रि दिखाने। अभी मैं मंदिर परिषद के अंदर हूं, अभी यहां पे मैं वेट कर रहा हूं, जैसे ही सोनू महंत की पार्टी निकलेगी देन मैं अंदर जाऊँगा दर्शन करने के लिए इन्हीं के साथ। ये काफ़ी मशहूर पार्टी है, सोनू महंत और राघव सेठ, ये दो काफ़ी ज़्यादा मशहूर है, फेमस है। तो अभी हम आज इन्हीं के दर्शन करेंगे और आपको भी दिखाएंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। कितने साल लगा भाई? चार साल। भाई कोई मन्नत मंगी? हाँ जी। क्या मन्नत? मतलब कि बाल बच्चे, मतलब कि घर दी, मतलब कि सुख मंगी थी कि इतने मेरे घर जो बच्चा आया ना तो मैं तो सुख मंगी मैं बना के जाऊँगा। हूँ भी रोंदा है ना, चार साल हो गए, चार साल दे बना रहे हैं। फिर जो घर मेरे फिर बस इन्हें जी कृपा ही फिर उन्होंने बनाओ। जय श्री राम। आप भी बने हो? पर कितने साल हो गए बनते? पाँच छः साल। अच्छा ढाई बेटा है? कौन है ये बंदा? बोलता बड़ा है पर जो मैं कैमरा ऑन करता नाले जोको हिंदा की कहना पे सौरभ जोशी की बहुत चंगे बंदे ने, बहुत वायरल हो रहे ने, बहुत सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो भाई। इना होने का इना कि चुग जंदा गाइस सौरभ जोशी। हां जी नो जोशी भाई, सौरभ जोशी भाई, राम राम सारे। अभी मेरे साथ ना ये कम से कम मेरे चार से पांच भाई जुड़े हैं, कहते हैं आपके चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे घर जाके। अभी देखते हैं इनके सब्सक्राइबर आते कि नहीं आते। करेंगे ना? पक्का पक्का करेंगे करेंगे। इस वक्त मंदिर परिषद में थोड़ा क्राउड कम है तो मैंने सोचा अभी हम मंदिर के अंदर माथा टेक आए, मैंने आपको पूरा इतिहास बताएंगे मंदिर का, वो आपको मैं वो वॉइस ओवर करूँगा क्योंकि अंदर में काफ़ी शोर होगा तो मेरी आवाज़ आप तक पहुँचेगी नहीं। यह मंदिर अमृतसर के दुर्गियाना तीर्थ में स्थित बहुत प्राचीन है। इस मंदिर की विशेष बात यह है यहाँ हनुमान जी की मूर्ति बैठे हुए रूप में है। इस मंदिर को बैठे हुए हनुमान, लंगूरों वाले हनुमान और बड़े हनुमान के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर के इतिहास की बात करें तो यहाँ श्री रामायण काल में भगवान श्री राम जी द्वारा किए गए अश्वमेघ यज्ञ में जो घोड़ा छोड़ा गया था वह भगवान राम जी के पुत्र लव कुश द्वारा घोड़ा पकड़कर बांधने पर जो युद्ध हुआ था उस समय श्री हनुमान जी को इसी स्थान पर इस वट वृक्ष के साथ बांध दिया गया था। मैं मंदिर मथा टेकने गया था तो आके देखा तो जो सोनू मंदिर की पार्टी है वो यहाँ से निकल गई है मंदिर की ओर। अभी आज सोनू मंत की पार्टी की नहीं दिखेगी, अभी राघव सेठ की पार्टी आएगी, अभी वो देखनी बाकी है भाई। यहाँ से तो राघव सेठ की पार्टी भी निकल गई, कहते अभी भी निकली है।
अभी देखते हैं अंदर जाके क्या पता दिख जाए। राघव सेठ की पार्टी चल गई है? नहीं हले आनी है। मैं हुणे पुछिया ओ कहंदे जानी है पर नहीं हले तैयार हुंदे वे। मैं देखया ही ना दे देखया है। लो भाई अभी राघव सेठ की पार्टी आनी बाकी है, अभी उसी के इंतजार में यहाँ बैठे हैं, देखते हैं कब तक आएगी। देख रहे हो ये शहर के अलग अलग हिस्सों में ना पार्टियां बनी होती हैं, मतलब कि टोलियां बनी होती हैं जो अपनी हनुमान सेना यानी वान सेना को लेके आते हैं अलग अलग जगह से। आपको ऐसे ही यहाँ पे सैकड़ों देखने को मिलेंगी। अभी ये शुरू हो चुकी हैं, अभी एक के बाद एक आती रहेंगी।